सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आजकल चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें अब कानून का डर भी नहीं रहा, जिसके चलते आए दिन चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है। आम लोग चोरी की वारदातों से परेशान होने लगे हैं। चोरी का ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है जिला फिरोजपुर की तहसील जीरा से, जहां चोरों ने बेखौफ होकर बस स्टैंड जीरा के सामने कक्कड़ मोबाइल शॉप को अपना निशाना बनाते हुए 50,000 रुपए के करीब मोबाइल चोरी कर लिए। इस संबंधी जानकारी देते हुए उक्त दुकान के मालिक ने बताया कि बीती रात करीब 1:30 बजे उनके चौकीदार का फोन आया कि उनकी दुकान का शटर खुला पड़ा है। जब उन्होंने अपनी दुकान पर आकर देखा तो उनकी दुकान में से 50,000 कीमत के करीब अलग अलग कंपनियों के मोबाइल चोरी हो चुके थे। गौरतलब है कि चोरी की वारदात दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई, लेकिन CCTV फुटेज में कैद हुई चोरी की वारदात देखने के बाद बड़ी हैरान कर देने वाली बात सामने आई है कि चोर इस घटना को अंजाम देने से पहले CCTV कैमरे की तरफ इशारा करके इस घटना को अंजाम देते नजर आए। वहीं पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज में चोरी की घटना कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। जो रात कक्कर टेलीकॉम है जी, बस स्टैंड के सामने आ मोबाइलों की दुकान है, उस रात कुछ मोबाइल चोरी हो गए थे, जिद 3 नौजवान चोरी करते CCTV कैमरे की फुटेज आ गए हैं। उन्होंने जोड़ा ट्रेस करके तो जरा तफ्तीश अमल में ली जाऊगी, तो जी वे कार्रवाई की जाएगी। जोड़े CCTV कैमरे फुटेज दोषी दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने जल्द तो जल्द जरा गिरफ्तार किया जाऊगा। जीरा शहर का निवासी हाँ, तो कल रात चोरों ने कक्कर टेलीकॉम जीरा विखे आपकी घटना अंजाम दिता है, जिते साडा करीब 50,000 रुपये का नुकसान होया। तो चोर का अजे तक कोई पता नहीं लगे, तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है जी। चल रहे थे तो उन्होंने की फोटो भी आई है, उन्होंने लाइट जगती पई सी करीब 1:30 बजे का टाइम सीगा, उन्होंने शटर तोड़िया तो 3 जने अंदर आ गए तो चोरी वाला समान लैके चले। पुलिस ने जानकारी दी, पुलिस ने जानकारी दे दी गई, तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बहरहाल आप देखना यह होगा कि पुलिस इन बेखौफ चोरों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। वहीं दूसरी तरफ चोरों के बुलंद हौसलों को देखकर हर एक शहरवासी के मन में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिरोजपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट News18। सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।